ये किसका म्यूट नहीं है। ठीक है सुनो, मैं एक बताता हूँ, एक बात तुम लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हो, हकीकत मैं बता रहा हूँ। मैंने, हाँ ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैंने करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं किया, किया है मतलब जैसे आपकी बार में इतने ज़्यादा नहीं किया हूँ, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो ना, मैंने PTT 65 कभी नहीं पढ़ी, नहीं मैंने आज तक कभी कोई मैगजीन नहीं पढ़ी, ठीक है, न कोई दृष्टि मैगजीन पढ़ी, न कोई विजन मैगजीन पढ़ी, ना कभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ परंतु जैसे स्टार्टिंग में ऐसा था, 2017 में मैंने साल भर शायद न्यूज़पेपर पढ़ा था उस टाइम, तो न्यूज़पेपर पढ़ने, रेगुलर पढ़ने फ़ायदे होते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये है। या फिर मैंने क्या किया था उस टाइम, तो बहुत सारा करंट अफेयर जितना भी था, मान लो कि ऑल इंडिया रेडियो भी सुनता था, स्टडी लवर वाला वो भी सुना हुआ मेरा, तो साल भर ऐसे फॉलो करता था, बस ऐसे सुनता था कि लास्ट में जो दृष्टि करंट अफेयर क्लासेस चलती वो मैं देखता था, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो एक बार ही मैं देखता था, दोबारा कभी रिविजन करने का तो मेरी ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिला। तो मेरा ये मानना कि देखो ना, इस एग्ज़ाम के फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नीड नहीं है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, बात है कि आप कितना रिटेन रख पा रहे हो, ये चीज़ हमेशा याद रखो। इस एग्ज़ाम की डिमांड ये नहीं है आप कितना पढ़ सकते हो, आप ये है कि आप चाहे पढ़ के देखो, सबाई बात है कट ऑफ भाई 50% ज़्यादा नहीं जाता, आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो बार बार, ये बहुत बड़ी, आगे मैं एक वर्ड बोलूँगा, मतलब हकीकत में बता रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, ये एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का नहीं है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि यहाँ मतलब रेट रेस नहीं है, आप ये चीज़ समझो, ये चीज़ ये एग्ज़ाम वो नहीं है कि मैं ज़्यादा नंबर ले आऊँगी तभी मैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करूँगी, नो नेवर, यहाँ पे कंपटीशन खुद से है, फिक्स है, आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बस सीधी सी बात, आपके कट पीट के 50 क्वेश्चन सही हो जाए, और आपकी बात मैं घटा रहा हूँ, कट ऑफ 40 से 45 बीच में ही रहेगी, तो मान लो फिर भी 45 से 50 के बीच में जो भी सही करके आएगा वो सेफ जोन में, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो, ऑलरेडी अपने पास स्कोप है कि अगर मान लो कि मैंने बताया तो था कि अगर मान लो कि 100 के 100 अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी आप अगर 35 गलत भी करते हो तो तब भी कोई बात नहीं है, तो सोचो कि क्यों सोच रहे हो कि आप 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ने का, सब PT 365 ये सब सारी चीज़ें, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमेशा देखा करो, कोई चीज़ पढ़ो उसका कितना वहाँ से फ़ायदा है, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो PT 365 में आप पढ़ोगे 1000 पेज, लिख के दे रहा हूँ 1000 से ज़्यादा पेज, इतने सारे फैक्ट वहाँ से, रियलिटी में बता रहा हूँ, तुम कितना भी बार पढ़ लो, कंज्यूम कर लो, पहली बार तो क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तब भी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ये हकीकत में बता रहा हूँ, रिटेन ही नहीं कर पाओगे ना वहाँ से, मान लो कि तुम 5 क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अरे स्टेटिक पार्ट के देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं स्टेटिक पार्ट के, ये किसका है, ये म्यूट करो ना, कौन है ये, ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसको पढ़ो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी 8 एंगल से तुम्हें नोट्स भेजे, मुझे मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लोगी ना, वो PT 365 तुम मान लो कि IR का PT 365 पढ़ रही हो, पॉलिटी का पढ़ रही हो, उनसे लाख गुना अच्छा है ये 8 एंगल्स के नोट्स पढ़ लेना, इसी से तुम्हें 5-6 क्वेश्चन, सबसे पहली बात कम पेज ज़्यादा तुम्हें आउटपुट मिलेगा, ये चीज़ समझो, हकीकत में फिर बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट चैप्टर 25 चैप्टर पढ़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है, लाख गुना अच्छा है इन PT 365 के 1000 पेज पढ़ने से, इस एग्जाम की नीड समझो, नहीं तो ऐसे पगला ही रहोगे फिर, हमेशा तुम्हारा माइंड चल रहा रहेगा मुझे ये पढ़ना वो पढ़ना है। जैसे मैं अभी सही बता रहा हूँ ना, मेरा आपके पास सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है भाई, मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ बस उसमें से गलत नहीं होनी चाहिए, खत्म बात, तो मैं स्टेटिक पार्ट पढ़ के जा रहा हूँ, करंट अफेयर नहीं, थोड़ा बहुत देख लूँगा बस, ऊपर ऊपर से क्लासेज जो है उनकी 30-35 क्लास, मैंने साल भर से अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, ना मैंने कोई आपकी बात ना ओनली आई एस का एनालिसिस सुना, कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे पता है भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ट्रिक भी तो है, आप ये क्यों नहीं समझते, फिर मैं ये चीज़ मैं सही बता रहा हूँ पूजा, फिर इन क्लासेस को मतलब नहीं है, फिर मैं ये क्लासेस क्यों करवा रहा हूँ, क्या मतलब है फिर, आज भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप भी फिर इधर उधर सोर्स अगर नॉलेज गेन चक्करों में भाग रहे हो तो फिर कैसे होगा, फिर कोई मतलब ही नहीं इन क्लासेस कराने का, मैं क्लियर बता रहा हूँ, स्टेटिक पार्ट को रिवाइज करो, उसी को ही पढ़ो, ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जैसे मान लो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 10 क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत से ही आएंगे, आप इन 5 क्वेश्चनों के लिए क्यों फालतू में PT 365 ये सब चीज़ों के पीछे पड़े हो, और मैं फिर भी लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मेरी ट्रिक से भी आपके ना इसमें से 3 सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं बता रहा हूँ, और आप लक्ष्मीकांत वो मतलब PT 365 को गारंटी नहीं कि आप 30 क्वेश्चन सही 3 क्वेश्चन सही कर दोगे, वो भी कोई बुक वगैरह कुछ भी पढ़ लेते हैं ना, जैसे कि आप बता रहे हैं ना, अगर इस पूरा माइंड को मतलब कंसंट्रेट करके अगर बनाते हैं ना क्वेश्चन तो सही हो जाते हैं, जैसे आप बताते हैं उस चीज को ध्यान में रख के अगर करते हैं, कितनों भी पढ़ लेते हैं उनसे सही नहीं होता क्वेश्चन, ये बात सही है, हम देखे इस चीज को कि कितनों हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ फायदा कहाँ हो रहा है, तो बस वही तो बात है ना, कम पढ़ो
देखो सीधी सी बात है, हकीकत याद रखना। सोचती अब देखो मैं फिर बार बता रही है, एक आखिरी हूँ महीना है, गलती मत करो। सिंपल से मैं एक ही लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे अगर तुम किसी ध्यान समझना जो डाइट वालों के पास जाओगे ना, मतलब कि आपको बॉडी को हेल्थ करना है, ध्यान समझना, वो आपको सिंपल से ही बोलेगा कम खाओ पर अच्छी चीज़ खाओ। सीधा सिंपल सा, ऐसा नहीं कि तुम बहुत पेट भर भर के खाना खा रहे हो, उससे तुम्हारा शरीर कभी नहीं बनेगा, उल्टा तुम कुपोषण के शिकार होगे उसमें। तो सिंपल सी बात है, इस एग्जाम के समझो, ये क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। आपने क्या पढ़ के गए हो और उसमें से कितने क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, स्टेटिक पार्ट पढ़ो। 50 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन तो उधर से मिल जाएंगे, बचे क्वेश्चन करंट अफेयर को तो ऐसे निपट ही लेंगे, क्या ही दिक्कत है। फिर भी मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं भरोसा, यही तो होता ना। देखो मैं एक चीज़ याद रखना, जीवन में ना फेथ होता है, फेथ। जैसे मान लो कि अपन बस में बैठे हुए हैं, ड्राइवर पे अगर फेथ है कि भाई ये अपने को सही मंजिल पे पहुंचा देगा, अगर आपको उस पर डाउट है तो आप रास्ते पर परेशान रहोगे। तो वही है ये चीज़, अभी भी 1 महीना बचा है, अगर आप फेथ नहीं करोगे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस पर, तो आपको डाउट रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ ना, एग्जाम आप डाउट में ख़त्म कर दोगे अपना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। फेथ रखो भाई, सीधी सी बात है, मेरे भी नंबर देखो 92 तक भी आए हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग मेरे से ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं आज ही क्वेश्चन पूछूँ तुम लोगों, मेरे मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे पास जो चीज़ है वो सीख लो ना तुम लोग, तो भाई तुम लोग तो ऐसे निकल जाओगे इस एग्ज़ाम में, ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो। कीप कॉन्फिडेंस, फेथ रखो, कोई चीज़ है उसको प्रोसेस को अप्लाई करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। नहीं तो फिर वही है कि फंसोगे, फिर क्या मतलब हुआ एक्सपीरियंस, मतलब देखो यही होता, मैंने 6 बार एग्जाम दिया था भाई, कुछ तो है ना मेरे पास, और मैं कुछ चीज़ें है तो वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप उस पर फेथ करो ना, तो फिर वही हो गया, आप गलतियाँ खुद से करोगे फिर सीखोगे, क्या मतलब है फिर मेरे एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है चलो, ठीक है शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब देखो 2015 का, 2011 से लेकर 2014 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, देखो पेपर जो भी देख रहा है वीडियो में, फिर बार होता हम 2011 से सारे देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो एक एक चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखो। आंसर इसी अप्रोच, जो आंसर निकालने का अप्रोच है, ये आगे 2024 में यही अप्लाई होगी। तो एक ही चीज़ याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट याद होने चाहिए, कौन सी ट्रिक कहाँ पे लग रही थी, क्या थी, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको अभी भी सीसीएट में डाउट है, क्लासेस देख लो मेरी, कंप्रेंशन वाली क्लासेस देख लो, वो रीजनिंग मैथ वाली क्लास देखो, और एनसीईआरटी वाली क्लासेज है वो भी पढ़ी है, करो ये चीज़ मिनिमम है। ठीक है चलो, ठीक है भाई आ जाओ इधर। देखो 2015 का है पहला क्वेश्चन, है ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो देखो मैंने कितनी बार बोला, कोई भी स्कीम चलेगी गवर्नमेंट की तो हमेशा उसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा, पहली बात। ठीक है ध्यान से समझ रहा, प्रधानमंत्री के नाम से चल रही, तो इसका मतलब राष्ट्रीय मिशन है। और दूसरी बात याद रखना, कोई स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता भाई वल्नरेबल सोसाइटी के लिए है, ठीक है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो नाम दे देता प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ध्यान से समझना, जन मतलब जनता, ध्यान से समझना, धन मतलब पैसा वैसा वित्त उसके बारे में, बस कहाँ पे ऐसे मिल रहा है स्टेटमेंट आंसर। अब देखो फट से आएगा, फट से देखो, पहली बात तो जनता की बात, राष्ट्रीय लेवल पे बात होनी चाहिए, कहाँ पे ऐसी बात है। पिछड़े क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गलत काट दो, ये तो बात राष्ट्रीय लेवल पे जनता वित्त की बात होनी चाहिए। गरीब लोगों, ये स्पेसिफिक हो गया, काट दो इस पर। ठीक है देश में, हाँ पहली चीज़ मिल गई राष्ट्रीय लेवल पर प्रधानमंत्री। ठीक है वित्तीय समावेशन मिल गया भाई यहाँ से। ठीक है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है अब इसको देख लेते हैं। उपांतिक मार्जिन लाइन, ये देखो स्पेसिफिक ग्रुप हो गया, आंसर आगे। अब मुझे बता पूजा, इसमें कौन सी जरूरत है करंट अफेयर पढ़ने की, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़, विश्वास करो नहीं तो पगला जाओगे पढ़ के ये एग्जाम। अगर ठीक है मैं फिर बता रहा हूँ ना, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं, कर लो एक्सपेरिमेंट कर लो, एग्जाम निकलेगा तो इसी अप्रोच से। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने से एग्जाम निकले, मैं फिर बता रहा हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल होते हैं, 1-2% लोग होते हैं जो मतलब बहुत गधा मजदूरी करके इस एग्जाम को निकालते हैं पीटी में। फिर बार बार बता रहा हूँ, चाहे टॉपर बताते नहीं हो, टॉपर भी वो यही तरीका अपनाते हैं, उनको सब कुछ नहीं आता है, किसी को सब कुछ नहीं आता, आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो। अगर अपने आप को अलग से विद्वान बनाने का मत सोचो कि हमें नया विद्वान बनना है। ठीक है दूसरी बात देखो, वित्तीय समावेशन मेंस के सिलेबस का है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, मेंस के सिलेबस याद रखना, वहाँ से आंसर डायरेक्ट बनता है। ठीक है आगे देखो, अगला देखो ध्यान से देखना, 14वें वित्त आयोग के बारे में है। ठीक है अब देखो फाइनेंस कमीशन इम्पोर्टेंट है, 14 अभी तो जैसे 15 चल रहा था, ठीक है तो वो तो इम्पोर्टेंट, अभी जो है पिछले साल पूछ भी लिया यूपीएससी ने, ठीक है तो वो पढ़ना तो नया पढ़ना तो वो नहीं। अब देखो इसमें मेन बात है, फाइनेंस कमीशन अपने पता रिकमेंडेशन देता है,
सब कुछ पता अपने को इसके बारे में, आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इतना याद रखो रिकमेंडेशन देता है बस, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रखना, एक स्टेटमेंट अगर फैक्चुअल है, ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट फैक्चुअल है, दोनों में से एक सही होगा, दोनों जनरल स्टेटमेंट है, उसकी पॉसिबिलिटी सही होने की है। इसने केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्य को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिए। अगर याद होगा अभी 15 फाइनेंस कमीशन बना था, उसने यहाँ पे 41 किया है। उसका रीज़न ये था कि जम्मू कश्मीर एक यूटी बना और रक्षा क्षेत्र के लिए अलग से दिया गया, तो केंद्र को 1% उसके लिए बढ़ गया। तो ये तो देखो ना, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो ये फिक्स है भाई, ये सही है, ये गलत नहीं स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो सही है। तो इतना सा तो पता होना चाहिए, बेसिक पार्ट है अपना क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, मैंने क्या बोला था, हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें कोई भी चीज़, तो हमेशा वो सही होगी, पॉजिटिव होगी। अब ये देखो, इसमें देखो राज्यों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो ये पॉजिटिव काम है ना, राज्यों को शक्ति, राज्यों को सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। और किसी भी डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है, संघीय सरकार होती है, उसमें स्वाभाविक सी बात है कोऑपरेशन से चलनी चाहिए सरकारें, मतलब राज्य सरकार भी अपना अच्छा तरीके से काम करती रहे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बात है, इसको सही मानेंगे अपन। अब देखो, इसने विशेष तौर पर, आप देखो स्पेसिफाइक स्टेटमेंट है, स्पेसिफाइक स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होगा, पहली बात याद रखना, विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की है, पहली बात मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, विशेष तौर पर ये कर ही नहीं सकता, ये बस एक अनुशंसा देता है कि डिवीजन पूल कैसा होगा, जो संचित निधि में पैसा आता हो कैसे बटेगा, केंद्र राज्यों में कैसे बटेगा, फिर राज्यों राज्यों में कैसे बटेगा, बस ये इतना रिकमेंडेशन देता है, इस सेक्टर विशेष से जुड़े उससे कोई भी मतलब नहीं रहता, इसका ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो, इट इज़ मेड अ रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक, ये गलत है, ठीक है। अरे ना, एक थोड़ा देखना, जब भी है ना, मैं फिर बताऊँ, इसको नोटिस करना, जब भी ऐसा वर्ड लिखा रहता है ना रिकमेंडेशन, ये चीज़ याद रखना, मोस्टली गलत होता है, एक बार ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, रिकमेंडेशन, ठीक है, तो ये नोटिस करना। बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ये है, ऐसा करता है वो, रिकमेंडेशन वाली गलत होने के चांसेस होते हैं, हाँ देखना वो चीज, ठीक है। अब आ जाओ इधर देखो, ध्यान से देखना, हाल ही में समाचार में आई फोटोलॉजा उद्घोषणा, देखो इस टाइप क्वेश्चन में फिर बार बार आऊँ, हमेशा आते हैं, घबरा रहे नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे सही भी होंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है, ठीक है, अब एक चीज़ मैं तुम्हें ध्यान से समझा रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। पहली बात, अगर आप IR का सिलेबस देखोगे या करंट अफेयर का सिलेबस देखोगे ना, उसमें है भारत एवं भारत से जुड़े हुए संबंधित करंट अफेयर, तो हमेशा याद रखना कि इम्पोर्टेंट वही रहेंगे जहाँ पर भारत मेंबर है। अब देखो, देखोगे OECD भारत का मेंबर नहीं है, OECD का सदस्य नहीं है भारत, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कम हो जाएगी। दूसरे ब्रिक्स का तो है, ब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी है भारत की, अरे ये भी अपने को पता है, UPSC ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखो। जैसे IMF क्यों अपन मार देते हैं, क्योंकि पता है UPSC IMF इज फेवरेट टॉपिक है, अशोका क्यों मार देते हैं, वैसे ब्रिक्स याद रखना, इनमें ब्रिक्स आएगा आंसर, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि UPSC किस थीम से बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्या है इनमें, ठीक है, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की। दूसरी बात देखो, डिक्लेरेशन हो रहा है, डिक्लेरेशन हमेशा एक चीज़ याद रखना, ध्यान समझना, जैसे अभी G20 का हुआ, तो G20 का आखिरी जब मीटिंग होती है उसके बाद में एक आउटकम आता है, ठीक है, वो डिक्लेरेशन करता है भारत ने, कुछ ऐसे मान लो कि कुछ पॉइंट बिंदु है जिस पर सबकी सहमति होती है, ऐसे ये चीज़ कोई बनती है, तो ये मोस्टली जो होगा ना ऐसे कुछ एसोसिएशन होते हैं ना, उसी में पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, तो ये चीज़ यार OECD जैसे तेल उत्पादक देश है, WTO तो एक बहुत बड़े लेवल पे, इसमें सारे सदस्य तो 195 समथिंग इसमें सदस्य है, उसका कभी सहमति से नहीं बनेगा, तो छोटे जो ग्रुप होते हैं उसमें बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन घोषित हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा माइंड में याद रखना, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, मेन तो इम्पोर्टेंट थीम, क्योंकि पिछले भी याद करो 2012-13 का क्वेश्चन आया था ब्रिक्स से, अब देखो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, और आगे फिर एक बार ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इम्पोर्टेंट थीम हमेशा याद रखा करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। देखो ना, कभी भी इस टाइप क्वेश्चन आए हमेशा बनाओ, ठीक है, ये बात करें टैक्स अपॉन GDP रेशियो, ध्यान से समझना, इसकी कमी आ रही है। अब इतना थोड़ा बहुत भी अगर आपको मैथ का नॉलेज है ना, ध्यान से हमेशा समझना, देखो कभी भी याद करो जो मैथ का मैंने चैप्टर, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैथ रीजनिंग आना बहुत ज़रूरी है GS के लिए भी। अब देखो टैक्स है,
अगर सोचो ये वैल्यू कम हो रही है तो ये कब कम होगा, ध्यान से समझो, इसकी टोटल वैल्यू कम हो रही है, देखो कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है पहली चीज, जब टैक्स में अगर कमी आ जाए तब भी कमी हो जाएगी, समझ में आया, जब टैक्स में कमी आ रही है तब भी तो ये पूरा जो रेशियो है कम हो जाएगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। तो ये तो अब देखो टैक्स में कमी कब आएगी, जब आर्थिक वृद्धि दर धीमी होगी, तो 100% ये तो आएगा, आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दूसरा काम क्या हो सकता है, ये जब मतलब कि जो जीडीपी है, जीडीपी अपना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो ये दो, अब देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एक केस है जिसमें अपन टैक्स जो है कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है और जीडीपी बढ़ रहा है, कभी ऐसी कंडीशन बनेगी, कभी नहीं बनेगी। जब जीडीपी बढ़ेगा ना, याद रखना कि टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है, तो मोस्टली ये रहता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि टोटल ये कम हो रहा है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी सूचित करती है, इसका मतलब भी यही है कि एक ही पॉसिबिलिटी केस बनेगा कि जहाँ पे टैक्स कम हो रहा है, टैक्स सरकार को नहीं मिल रहा, तो टैक्स नहीं मिल रहा तो कब होगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है नए नए प्लांट नहीं लग रहे, नई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, जब नई नई इंडस्ट्री नहीं लगी तो वहाँ टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, तो इसका मतलब आर्थिक वृद्धि धीमी है। अब देखो ये जो है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, ये असमानता को दिखाता ना कि जीडीपी, उससे कोई मतलब नहीं है, यह समानता के बारे में है। तो मैंने बोला था इस टाइप क्वेश्चन में एक सही होगा, एक गलत होगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, देखो इस टाइप क्वेश्चनों में उष्णकटिबंधीय पकड़ो, कहाँ में उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है, आंसर यही है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर भी अपन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ ये होता है, अरे मैं पिछले 2014 वाले पेपर में बताया था, उससे पहले भी बताया था, तो ये पकड़ना, इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये आंसर होता ही। उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अंटार्कटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है। थोड़ा सा भी अगर पता होगा, ITCZ जो है जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ पे नहीं आते चक्रवात, ठीक है, चलो मान लो नहीं पता है, क्वेश्चन अपन को कैसे करना है। अब पर मैं फिर बता रहा हूँ, ज्योग्राफी के NCERT पढ़ लो, ये डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन है, ये NCERT क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ठीक है। अब ध्यान, पहली बात, अगर थोड़ा सा भी अगर आइडिया होता हो, कभी भी ना लो टेम्परेचर होगा ना, तो वहाँ पे याद रखना कि हाई प्रेशर जोन हो जाएगा, हाई प्रेशर में कभी चक्रवात आने के टेम्परेट वो साइक्लोन तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग है, एक तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है, मान लो चलो ठीक है नहीं पता, आगे देखो, यहाँ पे हो सकता है उच्च दाब वाले साइक्लोन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है, ठीक है, आगे देखो। कोरिओलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, अत्यंत दुर्बल, इस टाइप के वर्ड हमेशा याद रखना, गलत होंगे, ठीक है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद ही नहीं होती, इस टाइप के वर्ड तो हमेशा गलत होते, ठीक है। तो ये बात तो दोनों स्टेटमेंट तो कट गई, COD तो गया अपना। अंत उष्ण कटिबंधी अभिसारी क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल जोन्स बिरले होते हैं। अब देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, ध्यान से समझना चाहिए, मैंने बोला था कि जब भी अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखा रहा है हिंदी मीडियम में, फ़ायदा है, मैं फिर बता रहा हूँ 10 में से 6 क्वेश्चनों का आंसर है आपके मिलेगा, देखो उधर भी मैंने बताया था, और आगे भी ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लिखा रहता है ये आंसर का पार्ट होता है, जैसे उधर भी था और आगे भी होगा, बहुत जगह नहीं भी होगा कोई इशू नहीं, पर मैं बता रहा हूँ एक कंडीशन ये भी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अरे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन तो, ठीक है। आगे देखो, अभी NCERT का 6th क्लास का चैप्टर आखिरी क्लास, उसी में आपको 6th क्लास के चैप्टर का क्वेश्चन है, भारत के राज्य निर्माण में कौन सा एक युगम सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। सबसे पूर्वी, ध्यान से समझना, तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी याद करो, और ये पिछले कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, और सबसे वेस्ट में कौन सा है, गुजरात है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये गलत मत करना, ठीक है। दूसरी बात, मान लो चलो नहीं, अपन जो ट्रिक को लगाते हैं उसमें देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश पर यहाँ पे असम में असम भी है, अपन थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो काट सकते हो, असम तो नहीं होगा, क्यों, असम के आगे अरुणाचल प्रदेश होता है, चलो ठीक है। फिर देखो राजस्थान बोला, इधर गुजरात बोला, राजस्थान के बाद में तो गुजरात आता है, तो ये दो ऑटोमेटिक कट गए, ये असम के कारण कट गया, आंसर ही आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उससे वो वाली ट्रिक भी अपनी लग रही है, ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन में क्वेश्चंस में ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं सर, एक में असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर अरुणाचल, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो सही होना चाहिए, इसमें क्या ही है, ठीक है। आगे देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, देखो DPSP के बारे में पूछा, मैं फिर बताओ क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, मैंने कितनी बार बताया है, याद रखना फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल राइट होते हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक राइट होते हैं, और ऐसे भी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना चाहिए, तो ये सही है। इन
तत्वों में अंतर्विष्ट बंद किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तने नहीं, हाँ एकदम नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ये पता है अपने, जनरल स्टेटमेंट है, दोनों पता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, अब देखो यही क्वेश्चन सेम 2020 में आया हुआ है, 2021 में आया, 2022 में आया, अब ये गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इतना सा तो पढ़ के भी जाना है, वैसे उन्हें हर चीज़ ट्रिक पे आप छोड़ दोगे। अब देखो ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद 2011-12 में क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था कि बेसिक जो होते हैं उसका क्या होता है, उस आधार पर मूल उद्योग के बारे में पूछा था उसमें, ठीक है ध्यान से समझना। 8 मूल उद्योगिक सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में किस किस सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अब देखो ध्यान से समझना, कोई भी इंडस्ट्री होगी, ध्यान से समझना, जैसे अपन ने जो 2011-12 क्वेश्चन था उसमें देखना, कोई भी इंडस्ट्री होगी वो बिना बिजली की चलेगी, बिना बिजली की उसका कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके रहेगी, विद्युत उत्पादन का रहेगा ना। अभी देख क्या पूछ रहा, 8 मूल उद्योगों सूचकांक जो इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री में किसका सर्वाधिक महत्व दिया गया, याद करना विद्युत उत्पादन को सबसे ज़्यादा महत्व होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और मैं फिर बारह बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंस इसकी है, महत्व तो पूछा अपने को, तो इसके बिना तो कोई इंडस्ट्री बिना विद्युत के चलेगी नहीं, ठीक है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये याद रखना कौन निकालता है क्या है, ये सब चीज़ें याद रखना आगे भी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और मैं फिर बता रहा हूँ 2023 में भी आया था, उसमें भीतरकणी का दिया था उसने, अभी जितने भी ऑप्शन में दिए इनके बारे में सर्च कर लो जाके अच्छे तरीके से। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। अरे याद करने के लिए ये वाला जो पार्क है मणिपुर में जो है, ठीक है, और यहीं पे आगे अब यही क्वेश्चन है ना, आगे भी रिपीट होगा। अब देखिए केवल गाना याद रखना कि राजस्थान में है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है, और बीतल नेशनल पार्क ये तो उड़ीसा में है, ठीक है। फ्लोटिंग व्लोटिंग के कारण जैव विविधता के लिए ये सबसे, अरे देखो बायोडाइवर्सिटी के लिए रिचनेस तो स्वाभाविक सी बात है यहीं पे ही होगी, नॉर्थ ईस्ट जो अपना ये रीजन है याद करो, वहाँ पे 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, याद करो हिमालय क्षेत्र वाला जिसमें बायोडाइवर्सिटी का ज़्यादा एरिया आया था, तो ये हिमालय क्षेत्र में कौन सा पाया जा रहा है, ना तो ये है ना ये है ना ये है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, क्वेश्चन उसके बिहाफ में भी हो सकता था जो पहले अपन किए थे उसी के आधार पर, इसीलिए मैं फिर बारह बता रहा हूँ पीवाईक्यू को याद रखो, रट के रखो तब जाके फायदा है इसके, देखिए लाइन रटी हुई होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, देखो राष्ट्रीय है नेशनल लेवल का पहली बात, ठीक है, नव पर्वतन है इनोवेशन को लेके है, इनोवेटिव आइडियाज को लेके है, प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो पॉजिटिव चीज ही है, ठीक है ध्यान से देखना। NIIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, तो मैंने क्या बोला था एक बड़ा था, तो मोस्टली सही होता है वो स्टेटमेंट, याद रखना है जी, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ सोचो कि इनोवेशन आइडिया है ये सब ऐसे विज्ञान और उसके तहत ही आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ही आएगा, ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री तो करेगी नहीं ये चीज़, ठीक है। पहली बात मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है दो अगर है तो उनमें से एक होने की प्रॉबिलिटी सही, अब देखो ध्यान देखना, अब ये इसकी प्रॉबिलिटी सही होने की क्यों होगी, एक स्वायत्त संस्था है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। NIIF अत्यंत उन्नत, अब देखो ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड चला गया, अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत है, अब देखो ये वर्ड वैज्ञानिक अनुसंधान मजबूत करने की एक पहल है। अब देखो यहाँ पे एक पहल तो है परंतु ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात मुझे बताओ कभी मैंने, देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ ये क्यों देता वो स्टेटमेंट, वो गलत बनाने का अंदर नॉर्मल दे सकता था कि बाहरी विदेशी संस्थाओं से उसके साथ अपने कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि अपने भी जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें सुधार हो, अगर उसको सही स्टेटमेंट लिखना होता वो गलत क्यों कर रहा है, अत्यंत उन्नत क्या होता है। और पहली बात आप कैसे डिफाइन करोगे कोई चीज़ को अत्यंत उन्नत है नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और फिर देखो ये इस टाइप की क्वेश्चन प्रमुख, तो ये चीज़ें याद रखो हमेशा ये चीज़ें गलत होती है। ठीक है आगे देखो, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है, अब ध्यान से समझना, नाइट्रोजन उर्वरक है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव है उर्वरक तो हमेशा भाई नेगेटिव ही होता है, ठीक है, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक का अत्यधिक अगर उपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है, अब देखो नेगेटिव को नेगेटिव अपन देखेंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से देखना क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है, अब देखो ध्यान समझना,
नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रतिरोधन पोलिफिकेशन हो सकता है, ये तो पॉजिटिव बात है, पर ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो 1, 2, 3 नन ऑफ दी अबोव, ध्यान से समझना। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ ये तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, अगर मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होती है तो ध्यान समझना वहाँ पे है ना प्रोडक्शन जो क्षमता है वो कम हो जाती है उस मिट्टी की, ठीक है, ये तो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। बॉम जल जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन निस्सारण हो सकता है, हाँ एकदम बात सही है, हो सकता है, ये भी नेगेटिव है, तो ग्राउंड वाटर में अगर नाइट्रोजन चले जाएगा तो जो ग्राउंड वाटर वो पोल्यूट हो जाएगा ना, तो एकदम सही बात है, नेगेटिव को नेगेटिव दो का आंसर आ गया, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे भी अब देखो यहाँ पे है ना, ये मैं फिर बार बता रहा हूँ, हाँ प्रभाव है तो डायरेक्ट मार दिया, यहाँ पे ये पूछा अत्यधिक, अत्यधिक उपयोग के क्या प्रभाव हो सकता है, वो आपसे जनरल प्रभाव नहीं पूछ रहा, स्पेसिफिक प्रभाव पूछ रहा है, जब भी स्पेसिफिक प्रभाव पूछेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका नेगेटिव को नेगेटिव आएगा, तो वो चीज़ भी याद रखना। अब ये पॉजिटिव है, ये तो अच्छी बात है, दालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ याद रखना। और ये सूक्ष्म नाइट्रोजन फिक्सेशन सूक्ष्म जीवों को फायदा ये नहीं करता बड़ा, वो ये कर देता है, तो उनके लिए फायदा है वो दालों में जो गांठें बनती है, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, 1, 2, 3 नाना देव। अब देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन जब भी बहुत रहे चांसेस वो तीनों तीनों गलत होंगे, वो तीनों गलत होंगे वो एक्सट्रीम वर्ड देके रखता है, तीनों तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, प्रकृति है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ नेचर फंड, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा, अब देखो ना यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आंसर बना था आपकी बार, मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखो, एक एक क्वेश्चन आंसर बनता है, ऑप्शन आंसर बनते हैं। अब देखो यही अगर इसके बारे में पता होता आपकी बार IUCN का जो क्वेश्चन आया था इसी से पता लग जाता है, प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, तथा वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात के संकटापन स्पेसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये जो साइट्स है इसके संदर्भ में देखो एक चीज़ याद रखना। अब देखो दो चीज़ें हैं, अब दो चीज़ों के लिए काम कर रही हैं, पहली बात मैंने क्या बोला था ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था इंटरनेशनल जो लिखा रहा था वो NGO होती है पहली बात, अब देखो यहीं पे पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी इंटरनेशनल लिखा रहेगा वो NGO होता है पहली बात, अब तो काटो यहाँ पे। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, मैंने क्या बोला था जो इंटरनेशनल लिखा रहता है वो NGO होता है, तो ये तो ऐसे भी गया। दूसरी बात अपने पता संस्था हमेशा गलत देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संस्था है फैक्ट है वो गलत होता है, अब यहाँ पे IUCN बोल दिया उसका अंग तथा साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, ये तो गलत है 100%। अब आ जाओ आगे ध्यान से समझना, IUCN जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए तो कर ही सकता, क्या ही दिक्कत है। साइट्स उन राज्य पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, ठीक है। अब ध्यान से इंग्लिश में पढ़ो इसको, ऐसे नहीं आएगा। साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइनड, मतलब जो इसको ज्वाइन करेगा ना उसी पे लीगली बाउंडेड होता है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है भाई कि किसी संस्था ने बोल दे कि भाई हमारे यहाँ आओगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। बट दिस इज कन्वेंशन डज नॉट टेक द पैलेस ऑफ नेशनल लॉ, अरे स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना, जब भी भारत कोई भी किसी चीज़ के, जैसे माने UN CCC है, अगर उसको बाल भारत सदस्य है उसको ध्यान से समझना, तो ऐसा नहीं है कि भारत में उसके सारे नियम लागू हो जाते, नो, भारत को भाई अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाने पड़ते हैं, तो एकदम सही बात बोला, डज नॉट टेक द पैलेस ऑफ नेशनल लॉ, और भाई स्वाभाविक सी बात है कोई भी चीज़ नहीं लेती है, तो जनरल स्टेटमेंट है सही होगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, तो दो स्टेटमेंट सही होंगे, याद रखना ये चीज, आपकी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आएगा आपकी बार FRP वाला, ठीक है। अभी जस्ट ये BJP गवर्नमेंट ने जस्ट चुनाव से पहले ही इसका FRP में बढ़ाया है, और उसमें प्रोडक्शन के आधार पर बढ़ाया, ये चीज़ याद रखना, तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी बार, ठीक है, 2020 में 21 में आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, तो 24 में आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, अनुमोदित करना मतलब यहाँ पे पढ़ो इंग्लिश में, अप्रूव्ड बाई, अब देखो अप्रूव्ड का मतलब होता है, ध्यान से समझो नहीं कि वर्ड का मतलब समझा करो, अप्रूव्ड का मतलब होता है फाइनल हो गया, अब ध्यान से समझना, अप्रूव्ड का मतलब होता है फाइनल। अब स्वाभाविक सी बात है इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ध्यान समझो बस ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, किसके पास पावर है,
सरकार मतलब ऐसे संसद में होती है, संसद में मतलब मेन कौन है, कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आता है, मिनिस्ट्री विनिस्ट्री ये सब आती है, बस वही अप्रूव करेगी। आयोग हमेशा रिकमेंडेशन करता है तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा। कृषि मंत्रालय विपणन निरीक्षण निदेशालय नो, विपणन समिति नो, मंत्रिमंडलीय समिति, ये चीज़ याद रखना, यही आंसर बनेगा। और यही याद रखना, यही MSP घोषित करता है। ये अप्रूव का मतलब समझो, अप्रूव का मतलब होता है फाइनल करना, ये रिकमेंडेशन देता है इसको, फिर ये फाइनल करता है हाँ कि ये सही है। तो ये चीज़ याद रखना, अप्रूव का मतलब यहाँ एक एक वर्ड को मतलब समझा करो, ठीक है। अब आगे देखो, अरे ये जो है ना, ये कृषि उत्पाद विपणन समिति ये मंडियों से संबंधित होती है, ठीक है। अब देखो, विश्वतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रभाव की किस व्याख्या किससे होती है। पहली बात इक्वेटर की बात कर रहा है, ठीक है, और इसके जो है पूर्वाभिमुख इधर के मान लो होता है उसके बारे में बोल रहा है, अपने को उसके बारे में बताना। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, देखो मैंने वो जो अभी क्वेश्चन जो बताया था यही सेम आंसर, यहाँ पे विश्वत व्रत दिया है ना कि वो नहीं, ठीक है, धारा है यहाँ पे यही है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ये आता है, ये क्वेश्चन पकड़ा करो, ये चीज़ देखो डायरेक्ट विश्वतीय धाराओं पूरा वो उसी के बारे में बात कर रहा, तो आंसर तो ऐसे भी ठीक है। पर ऐसे मैं फिर बता रहा हूँ, NCERT पढ़ लेना ज्योग्राफी का, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी टाइम है अच्छा खासा, 3-4 बार पढ़ लो, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन तो पक्का है वहीं से आएंगे। अरे NCERT पढ़ो, जैसे मैं 6ठी क्लास के NCERT पढ़ रहा था हिस्ट्री, सोचो उससे इतने क्वेश्चन आए हैं, और अभी वो पढ़ लो भाई, एंशियंट मेडिवल के जरूर पढ़ के जाओ, मॉडर्न वाले चलो नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाएगा, मॉडर्न जहाँ से पढ़ा आप वहाँ से पढ़ो, तो 6th, 7th और उधर 11th, 12th का Part 1, Part 2 दोनों जरूर जो हिस्ट्री के लिए पढ़ के जाना, ज्योग्राफी के लिए 6th to 12th ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अरे मुझे बता, पृथ्वी को अपने अक्ष से घूर्णन से दिन रात होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये तो नहीं है, मैंने क्या बोला ध्यान समझना, दो विश्वतीय धारा इनमें से ही आंसर होगा। जल की लवणता में अंतर से याद रखना कि जो जल की लवणता में सैलिनिटी से ना जो धाराएं इधर से उधर मूव ऑन जरूर होती है, पर ये उसके बारे में नहीं पूछ रहा अपने से, ठीक है। दो विशुद्ध धाराओं का अभिसरण कंजर्वेशन जब होता है ना तब जाके वो चीज़ें होती है। विशुद्ध वर्त के पास प्रशांत मेखला बेल्ट का काम ऑफ काम का होना ना होती है। और ये देखो इक्वेटर पर पूछ रहा है, ये छोड़ो उससे को मतलब नहीं, ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ ज्योग्राफी में तो मोस्टली जो फैक्ट होते हैं वो गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब देखो कॉन्सेप्ट ये हमेशा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से पता लग रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ना मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन अब जरूरी नहीं को ट्रिक से हो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों के लिए तो पढ़ लो भाई, इतना टाइम है अभी 1 महीना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, अपने को तो उन क्वेश्चनों से निपटना है जो क्वेश्चन भाई एक तो मतलब अलग ही दुनिया से आते हैं, करंट अफेयर आपने नहीं मान लो ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही पढ़ के गए, तो वहाँ निपटने के लिए यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो एटलीस्ट क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो मैंने कितनी बार बोला था, 3 है। अब देखो ये याद करो पुष्कर, ठीक है ना, अब मैं कल वो जो है वो उधर उसका आ गया था, परंतु ये पुष्कर का, अब देखो पुष्कर है राजस्थान में, थोड़ा बहुत भी याद होगा ना राजस्थान में, ये महादेव पाड़िया MP में है, बस इतना ही पता होना चाहिए यार। पुष्कर है ना अरावली पर्वत पे है, नागा पहाड़ी पे, याद रखना ये चीज़, अरावली की जो नागा पहाड़ी है उसके ऊपर है पुष्कर, राजस्थान मेला भी बढ़ता बहुत बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो 1, 2, 3 नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अब आगे देखो, यही क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, अब की बार भी आया था ये पता रखो, बार बार मैं फिर बार बता रहा हूँ, सतमाला पाड़िया याद रखना, ये सतमाला पाड़िया महाराष्ट्र में, और ओंकारेश्वर जो मंदिर है याद रखना ये MP में है, अरे ओंकारेश्वर मंदिर पे ही जो नर्मदा नदी बहती है ना उसी के समीप बना हुआ है ये, और ये है मंदाहेता हिल्स पे, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। श्रीशैलम अगर थोड़ा बहुत ही पता होगा तो ये चीज़ याद रखना कि लॉर्ड मल्लिकार्जुन का यहाँ पे टेंपल है और आंध्र प्रदेश में है, नल्ला मल्ला पहाड़िया भी आंध्र प्रदेश में है, तो ये पहला सही है। अब देखो अब की बार भी पिछले क्वेश्चन पूछा था, मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखो, क्वेश्चन पूछता इनके बारे में जाके देख लिया करो मैप में एक बार जरूर सर्च करके, ठीक है। आगे देखो,
रोलर सत्याग्रह के संदर्भ में, ठीक है, अब थोड़ा बहुत ही पता हो रोलर सत्याग्रह 1919 में हुआ उस टाइम जो भी है, ठीक है। अब देखो देखो सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अंग्रेजों ने, अब देखो इतना तो पता है कि मैं फिर बता रहा, इतना हिस्ट्री जरूर पढ़ के रखो कि अब ऐसे नहीं बिल्कुल जीरो बटा जीरो नहीं, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अब रोलेट सत्याग्रह भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इन्होंने जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में डालने वाला उसके, तो उसके खिलाफ ही सत्याग्रह कर रहे हैं, अब ध्यान से समझना। तो रोलेट अधिनियम जो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, याद रखना है ना, यूपीएससी इस टाइप का जो स्टेटमेंट है आपको ना मोस्टली ये इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, तो ये गलत नहीं देगा, वो चीज़ याद रखना। वो गलत वहाँ देता है जहाँ आप पढ़े हुए हो और वहाँ पे आपको फैक्ट में इधर इधर उधर होता गलती होती है, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ गलती नहीं करेगा, ठीक है। और कोई ना कोई कमेटी की रिकमेंडेशन पे तो आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अब देखो टॉयलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अरे भाई क्यों नहीं करेगा मुझे बताओ, होम रूल याद रखो 1916 में बन गए थे एनी बेसेंट और अपने जो ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान से समझो थोड़ा, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रखो। अब सोचो जो 1916 में बन गए, 1919 में आंदोलन कर रहे हैं, तो मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बोला, ये साफ बोल रहा है कि भाई यूज़ करने का प्रयास किया, बस इसको गलत ठहराना बहुत मुश्किल हो जाएगी, एकदम सही है ये। तो साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ हुए, अगर थोड़ा बहुत भी पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, साइमन कमीशन आया था 1927 के दौर में, कहाँ ये 1919 की बात कर रहा है ये। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ गलती करा था यूपीएससी, तो ये पकड़ो, तीनों तीनों कभी सही होंगे, तीनों गलत दो सही है। और दूसरी बात, हमेशा एक चीज़ याद रखो, समकालीन वर्ड हमेशा गलत होते हैं, ध्यान से पकड़ो, ये साथ साथ हुआ मतलब ये समकालीन बोल रहा है, तो समकालीन तो वर्ड ऐसे ही गलत होता है, हमेशा याद रखने ट्रिक है। हाँ बोलो, जब ये टाइम पीरियड की बात कर रहा ना, तो तब तो गलत होगा ना, समकालीन वर्ड है वो, तो गलत होगा वो। तो ये चीज़ पूछ रहा था कि गलत हो रहा था, नहीं ये समकालीन वर्ड है ना, टाइम पीरियड की बात कर, तो टाइम पीरियड तो ऐसे पता है वो 1927 की बात है, ये 1919 का तो गलत है ना। अब तो ध्यान से देखना, इनमें किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचार में बार बार उल्लेख हुआ। देखो ना इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, पहली बात तो ना इबोला विषाणु के जो कंडीशन है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप देखो इबोला विषाणु जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना वहाँ पे मोस्टली आता है, तो अफ्रीका उष्णकटिबंधीय जोन में ही आता है, ठीक है, तो अफ्रीका जो जितने देश होंगे वो इससे होंगे। दूसरी बात, जो बहुत गरीब देश है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन चीज़ों से देखो बोला कि बार बार उल्लेख हो रहा था, मतलब समझ बात हुआ कि हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, तो इतना तो पहली बात पता लग गया। अब देखो जमैका, हेती, सूरीनाम याद रखना, ये उधर है जो उत्तर अमेरिका के पार्ट है, ठीक है, जमैका का अगर आप पता हो तो उसेन बोल्ट था, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी ये भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, अपने देखना अफ्रीका की कंट्री देखनी है। अब देखो सीरिया जॉर्डन कितना मिलता है आपको, ये मिलेगा एशिया में आपको, सीरिया जॉर्डन इधर इजराइल उजराइल के पास, तो ये भी नहीं होगा, मैंने क्या बोला अफ्रीका कंट्री चाहिए, और जो सबसे गरीब हो हाँ गिनी सियरा लियोन और लाइबेरिया, हाँ, और यही आंसर है। तो दूसरी बात देखो, ऑड इवन वाला ट्रिक भी लगा सकते हो आप, देखो ध्यान देखना, ये सीरिया जॉर्डन यहाँ रखना कि ये इधर है इजराइल इजराइल का पार्ट है, तो वेस्ट एशिया का पार्ट बोल सकते हो इनको, ठीक है। फिलीपींस पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस किधर है, फिलीपींस पता नहीं है, अमित कहाँ है फिलीपींस, अरे इधर जाओ, कहाँ है बताओ, ये हमारे सर ऊपर है, सर ऊपर नहीं है, पूरी साउथ ईस्ट एशिया की जो देश है ना वहाँ जाके देखो, चीन सागर उसके आगे वहाँ पे है, ठीक है, तो इस पे इधर ये माल फिलीपींस से पापुआ न्यू गिनी जाके देखो, पूरा एकदम पूरा ये ऑस्ट्रेलिया जस्ट ऊपर, तो उधर का है, ठीक है। जमैका हिती है अमेरिका, आपकी वहाँ जो वर्ल्ड कप भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उधर का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, तो ये अफ्रीका पार्ट है, तो ओडियो के आधार पर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। वर्ल्ड मैप को थोड़ा आइडिया जरूर रखना, मैं फिर और बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ताकि क्वेश्चन सही हो सके, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से समझना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो तीन वाले कॉन्सेप्ट में दो ही आंसर आ रहा है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी ध्यान देखना,
ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो फ्लाई ऐश मतलब अपन जानते हैं राख निकल रही है, ध्यान से समझना। अब ध्यान समझो, ये तो फ्लाई ऐश है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? अब इसको गलत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचो मिट्टी से जब बन सकते हो, राख से क्यों नहीं बनेगी? पॉसिबल है, सकता है, पॉसिबल स्टेटमेंट आराम से आएगा। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानपन के रूप में किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ वर्ड बोल दिया, पॉसिबल स्टेटमेंट। अब आ जाओ, फ्लाई ऐश केवल, अब देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, सिलिकॉन और डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, और देखो और भी जोड़ रहा है इसमें, इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते। अब याद करो हमेशा इस टाइप के स्टेटमेंट कटते हैं, आगे आंसर सोचना ही नहीं है। तो फिर बार बता रहे हैं, चीज़ें पकड़ो। अब देखो इसी के बारे में यूपीएससी ने 2011-12 में पूछा था, डुगोंग के बारे में 2022 में पूछा, तो ये चीज़ यार को हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है इससे। अब देखो वही वापस से 1, 2, 3 नन ऑफ दी अबव नहीं भी आए, 2 मार्क के आओ। मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना, नहीं आ रहा क्वेश्चन मार के आना वहाँ पे। ठीक है, पहली बात देखो ध्यान से, भारत में पाए जाने वाले, अब जो भारत में स्पेसिफिक हो गए तीनों तो होंगे नहीं ऐसे। स्तनधारी जो है डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और मैंने बोला भी था इसको इंग्लिश में पढ़ो इधर, तब समझ में आएगा। सिख डुगोंग, सिख आओ भी बोलते हैं इसको। चलो ठीक, कोई नहीं, ध्यान देखना, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस टाइप का वर्ड कभी गलत नहीं होता है, एक शाकाहारी। याद करो 2022 के क्वेश्चन, एक जवक वो उसके बारे में आया था, मशरूम के बारे में, तो एक जीवाणु ऐसे कुछ करके बोला था उसमें, कवक। हाँ, तो ये चीज़ यार नहीं, कभी गलत नहीं होता इस टाइप का वर्ड। अब देखो गलत जो होगा ये देखो, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता, बस ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यही सेम ट्रिक 2022 में लगी थी। तो ये चीज़ याद रखना कि ये हर जगह लगती है, कंप्रेंशन में लगी, तो ये इस टाइप के वर्ड पकड़ो जहाँ गलत करता है। ठीक है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। अब ध्यान समझना पहली बात, अब इसको सही करने के लिए ध्यान समझो। पहली बात देखो, इसमें सबसे जो क्रिटिकल फेज में होता है उनको डाला जाता है, पहली बात ध्यान रखना। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो भाई सब ऐसी बात है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। नॉर्मल जनजाति के बारे में नहीं पूछते, मतलब कोई भी स्पेसीज के बारे में यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, तो आप इस आधार पर इस क्वेश्चन को यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 मार्क आना, 1 मत करके आ जाना, मैं फिर कितने वाला एक्ट मोस्टली गलत नहीं देता। दूसरी बात, अपने को पता है कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, तभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे तो पता होना चाहिए। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बार होता है, इसके अंदर जो भी है 5 अनुसूचियाँ बनी हुई है वो सब याद रखना, क्योंकि यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे। एक ये एक्ट हो गया, एक 1986 वाला हो गया, एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसे हमेशा क्वेश्चन आते ही है, ये चीज़ याद रखना। अब देखें, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, सीधी सी बात है, क्या तीनों भारतीय है? भारतीय है, तो भारतीय स्वतंत्रता लीडरों को तो चाहेगा, यूपीएससी सब कुछ जानो आप, तो सब जानो, तो सब जानो, दादा भाई नरोजी पता है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त पता होना चाहिए, सारे के सारे हैं। ठीक है, यूपीएससी, मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं देगा कि हाँ यहाँ पे कोई और नाम दे देगा, नो, वो आपसे आपको उल्टा सिखाना चाह रहा है कि हाँ ये आर्थिक आलोचक थे, अरे ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। ठीक है, आगे देखो विश्व, ठीक है, अब देखो विश्व है तो ये एशिया तो ऐसे कट गया, यूरोप भी कट गया, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक भी आ गया आंसर। ओनली इसी से पढ़ने से भाई, विश्व आर्थिक संभावना तो विश्व के बारे में निकालेगा ना, तो बस ये जो ये एशिया विकास बैंक कैसे निकाल देगा विश्व के बारे में, वैसे संस्था होनी चाहिए ना, आगे आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो ध्यान समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन आया था 2020 में, जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात, ठीक है, SLR का 50 आधार अंक बेसिक पॉइंट कम कर देता, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना? अब ध्यान से समझना, SLR में क्या होता है, ध्यान समझना, कि बैंक जो अपने पास गिरवी मतलब सामान रखते हैं वो कैश के रूप में रख सकते हैं कुछ भी। अब जैसे मान लो पहले 20% है, ध्यान से समझना, अब उसको रखना पड़ रहा है 19.5, ये अभी 0.5% है, ये मान लो करोड़ों रुपये में पहुँच जाती है। अब सवाल बात है, इसके पास ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना, अब ये जनता में बांटेगा ना, अब बस अब यही चीज़ समझनी है। अब ये चीज़ समझ गए, अब देखो आंसर कैसे आएगा फट से देखो। पहली बात, भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, इस टाइप के वर्ड तो हमेशा गलत होते हैं, इंग्लिश में पढ़ो, इंडिया की GDP ग्रोथ इंक्रीज ड्रास्टिकली, ये वर्ड याद रखो, इंग्लिश पढ़ लेना, गलत होते हैं हमेशा। ठीक है,
पहली बात, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। अरे मुझे बता, विदेशी संस्थागत क्या ही मतलब है, बैंकों को संबंध होता ही नहीं। FII आएंगे तो शेयर मार्केट में आएंगे, और उससे क्या ही मतलब है 50 बेसिक पॉइंट से। अब देखो, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। अब देखो घटाएंगे क्योंकि इनके पास केस ज़्यादा हो गया। अब ध्यान ध्यान समझना ये चीज़ हमेशा। देखो मार्केट में जब शॉर्टेज रहती है पैसों की, तो बैंक रेट मतलब जो भी ब्याज दर बढ़ जाती है। अब जब पैसे बैंक के पास ज़्यादा है तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी इंटरेस्ट रेट, और यही आंसर होगा। इससे बैंक की व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आएगी। अब देखो ये इंग्लिश पढ़ो, यहाँ पे देखो ड्रास्टिकली काटो आंसर, लेकिन इसकी वजह से बढ़ेगी। अरे वो तो स्वाभाविक सी बात है ना, केस आया तो। अब अगला देखो, ध्यान से समझना। स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में बात बोला, नैनो टेक्नोलॉजी उपयोग, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, प्लस है, सारे सारे पॉसिबल आंसर होंगे। अब देखते हैं क्या दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया, संभव वर्ड पॉसिबल स्टेटमेंट आएगा 100%। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान एक दे सकती है, आएगा 100%। सी सोचना ही नहीं, आराम से अब आ जाओ। अब मैंने बोला था, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ये देखो यही आंसर है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया गया है। अब मैंने बोला ही था ये आवश्यक वस्तु अधिनियम नहीं है, कृषि उत्पाद विपणन समिति, ठीक है। एक तो आंसर ऐसे पता होना, चलो ठीक नहीं। अब देखो ध्यान देखना, ट्रिक देखो, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को, ठीक है, कृषि उत्पाद विपणन मार्केट को ही बोलते हैं। आंसर आवश्यक वस्तु अधिनियम 9, कृषि उत्पाद नहीं, अधिनियम 9। इधर इंग्लिश में पढ़ो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एनेक्टेड बाई स्टेट। अरे ऐसे थोड़ा, हाँ एक और चीज़ याद रखो, एग्रीकल्चर जो है राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय आएगा तो किसके तहत आएगा, स्टेट के तहत, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें लग रही है इसमें, ध्यान समझना। अब आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब ध्यान से देखना, जलीय प्राणी के बारे में पूछा है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है पहली बात तो, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है खारे पानी का मगर, ओलिवेरिडे टर्टल, गंगा का डॉल्फिन, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन ही आ गया, ये चीज़ याद रखना। और UPSC ने ना 2019 में इस क्वेश्चन पूछा इसी के ही बारे में, ठीक है। ओलिवेरिडे टर्टल भी पूछा गया है, ये गहरी माता है, याद रखना, उड़ीसा में पाया जाता है गहरी माता। अरे याद रखना, गंगा डोल में रेड लिस्ट में है, याद रखना ये चीज़, IUCN के रेड लिस्ट में, इसीलिए UPSC क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना आइडिया रखना। और घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन 2017 में पूछा UPSC ने। और ये जो गंगा डोल्फिन है WPA की Schedule 1 में है, याद रखना, ये वाला जो एक्ट है इसकी, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब सामाजिक सुधार के लिए काम करेगी, सब अच्छी बात, ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब देखो, कांग्रेस की है, सोशल पार्टी है, तो बस सामाजिक सुधारों के रिलेटेड, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपने वकालत की। मैंने क्या बोला, ये तो किससे आर्थिक संबंध हो गया ना, ये नहीं होगा, काटो, आज सामाजिक सुधार की बात होनी चाहिए। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो स्थापित करना चाहती है, अरे ये तो कम्युनिस्ट सरकार होगी, साम्यवादी सरकार होगी, ये तो साम्यवादी सरकार बात करती थी, गलत। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक नियोजन क्षेत्र की वकालत की, अरे नहीं, अरे तीनों नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, उस आधार पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पॉजिटिव है, ये तीनों नेगेटिव है, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ पकड़ना, सोशलिस्ट समाज से रिलेटेड होगी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, याद रखना, ये थे इसके फाउंडर, ठीक है। अब देखो, ये अब की बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रख लेना। अब देखो ध्यान से समझ रहे, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, ये बात सही है। वो 14 दिन के पास, वो 14 दिन तक रोक सकते हैं बस, अगर कोई रिकमेंडेशन देता है तो लोकसभा हो सकता है माने या ना माने, नहीं माने तभी कुछ नहीं होगा। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, एकदम सही बात है, याद रखना, मैंने कितने बोला है
लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है? लोकसभा में लोगों द्वारा टैक्स जो दिया जाता है संचित निधि, तो याद रखना उस पर किसका कंट्रोल होगा? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं। अब देखो दो स्टेटमेंट सही हो गए, तीनों तीनों कभी ऐसे भी सही नहीं होंगे। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा ही नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती, चर्चा तो होती है। अब याद करो, कभी देखा करो पार्लियामेंट सेशन चलता है, जो निर्मला सीतारमण होती है ना राज्यसभा में जाके बैठती है, वहाँ पे उसको जवाब देना पड़ता है। इसे याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? अब ये देखो, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में है। अब देखो अरब की बारे में फिर बता रहा हूँ, 1999 या 1935 एक्ट से जरूर क्वेश्चन आएगा, और हर साल ऐसा होता है कि पैरेलल क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर थोड़ा बहुत ही पता होगा इस एक्ट के द्वारा, ऐसे भी जो सेंटर और जो स्टेट है उसके बारे में जो है, स्टेट को देव शासन लागू किया गया था इसमें, ठीक है। न्यायपालिका में विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, अरे पहली बार न्यायपालिका यहाँ पे आई ही नहीं थी, ऐसे में 1935 एक्ट के तहत तो न्यायपालिका बनाने की बात की गई थी, पहले सब लंदन से चल रहा था, तो ये ऐसे गलत है। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में वायसराय की शक्ति आ रही है, 1858 एक्ट की बात है। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, यही आंसर है इसका, अरे थोड़ा बहुत पता होगा तो यही है, सेंट्रल स्टेट लिस्ट, पर याद रखना सेंट्रल स्टेट लिस्ट आई थी 1935 एक्ट के तहत, पर इसमें प्रांतों में देव शासन शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन 2022 में आया, ध्यान से समझना, अरे इसी सेम लॉजिक पे उसका भी आंसर था, यही ऑप्शन थे सारे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालेगा? मुझे बता, भारतीय रिजर्व बैंक कब से निकालने लग गया? अरे औद्योगिक कर्मकार मतलब क्या है? श्रमिक, कहाँ श्रमिक है, श्रम वीरों बस। आर्थिक कार्य विभाग नौ, ये DOPT जैसे ट्रेनिंग का काम करता है, IAS की ट्रेनिंग यही कर रहा था DOPT, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और इसी सेम लॉजिक में मैंने आंसर निकाला, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये एक एक लॉजिक याद रखना, किस लॉजिक के बिहाफ में आंसर आ रहा है, इसी लॉजिक में आंसर निकलते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में, ठीक है, मॉडर्न के बारे में बोल रहा है। हाल ही में समाचार में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण सूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से समझना, देखो ये बर्फ़ में गहराई में दबा हुआ है, साफ बोल रहा है आइस क्यूब है तो भाई बर्फ़ में दबा होगा, ये तो सही है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, ठीक है, मान लो इसे नहीं पता। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ़ में एक घन किलोमीटर घेरों वाला न्यूट्रिनो सूचकांक डिटेक्टर है। अगर ये स्टेटमेंट सही हो तो ये ज़रूर सही होगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो अगर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ऐसे मान लो अब ये किलोमीटर घन है, इसको काट मत देना डाटा वाटा के तहत, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर भी दूसरी बात, ये तो सही है, थर्ड सही है, देखो ध्यान समझना, नन ऑफ दी अबव तो आएगा नहीं, और मोस्टली अपन जो पकड़ते हैं भाई दो तो आता ही है, ठीक है। अब देखो अगर इसको तुम काटोगे तो फिर ये भी गलत होगा, तो यहाँ पे फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं कि अब एक मारोगे, नहीं। तो ये चीज़ रखें, दोनों सही है, डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, तीनों के तीनों सही है इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे तो कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लेना। अब यहाँ जब एक नंबर ऑप्शन सही होता है तो तीन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कौन बोला? अरे मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों कोरिलेशन में है ना, इसलिए मैंने बोला भाई। अधिकतर में दो तीन भी सही होते हैं। वो कुछ ही नहीं है, मैंने क्या बोला ध्यान से समझो, तीन वाले स्टेटमेंट मोस्टली दो सही होते हैं, तो दो सही होते तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो अपने पता लग चुका है, ठीक है। अब आंसर इन दोनों में से होगा। अब देखो एक तो ये सही है, अब मैंने क्या बोला, जब ये सही होगा ना तो ये भी सही होगा, इसलिए तीनों है। सर ये बात सही है, एक के साथ में ज्यादा तीन सही होते हैं, दो से ज्यादा, मैं भी ये चीज को देखी हूँ। अरे मतलब तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो मेरे से, पहली बात तो बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है, एक और तीन ना अधिकतर क्वेश्चनों में सही होता है। अरे तो वो नए पैटर्न में तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सर वो बात अलग है, इंटरनेट में पहली बात उससे कोई मतलब ही नहीं, नए पैटर्न का मतलब नहीं है ना। सर हो सकता है चेंज हो जाए। नहीं 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 होगा चेंज, देख लेना, ये तो यूपीएससी खासियत है। तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी फिर वो ऐसा पेपर ही क्यों बना रही है? उसको मजा आता है भाई बच्चों को परेशान करने में, तुम्हें क्या लगता है वो अब तुम्हारे लिए अच्छा, भाई पिछले साल बच्चे परेशान हो गए तो अब की बार तुम्हारे लिए क्या लगता है कि इजी पेपर बना देंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है पूजा, देख लेना पेपर उसी पैटर्न पर आएगा, अरे इस भरोसे में मत रहो।
ठीक है, अब आगे देखो एग्रीमेंट है, देखो एग्रीमेंट। हाँ बोलो। मैं ना जब एग्जाम देने जाऊंगी ना सुबह, मैं आपका क्लास देख के जाऊंगी ताकि सारी बात याद रहे। वो दिन याद ही, पूरी क्लास चली देख ही नहीं पाओगे। अभी क्या कर रही हो, अभी देखो ना, अभी काम है। लास्ट का ना एक देख लेंगे, भूल जाते हैं कभी-कभी। अरे ठीक है, वो ट्रिक वाली मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आखिरी के 10-15 दिन में वो ट्रिक वाली वीडियो ही करवाऊंगा, घबराओ मत। ये अपना कंप्लीट हो जाएगा आराम से, 2-3 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये, ठीक है। 5 तारीख तक मोस्टली मान के चलो कि मैं ट्रिक वाली ही करवाऊंगा, वो मुझे पता है। ठीक, चलो आगे देखो। सर हाँ बोलो। हम तो आपकी एक एक बात नोटिस करते हैं, मतलब लिखते हैं एक एक बात आपकी। बात वो याद रखना, बस वो एग्जाम में याद रख लेना, अप्लाई कर देना। बात वहाँ पे है, यहाँ पर ये काम तो यही आएगा। वही सर, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस बड़ा बनना, चाहे जितना पढ़ लो कुछ हो ही नहीं रहा था। सही, एकदम सही कंक्लूजन पे पहुंची हो तुम, सही है। आपकी क्लास पहले करते सर, आप मतलब जितना शुक्रिया बोले ना उतना ही कम है। अभी भी कोई टाइम खराब नहीं हुआ है, अभी 1 महीना है, कोई इशू नहीं। पर बेसिक्स पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली लेना। मैं फिर बार बार देखो, ये पढ़ के जाना, ज्योग्राफी 6-12 पढ़ लो, ठीक है। हिस्ट्री का पढ़ना ही है 6, 7 और 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप, अगर आपने कुछ ही नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट विपिन चंद्रा जरूर पढ़ लेना, ट्यूशन डायरेक्ट बनते हैं वहाँ से। तो हिस्ट्री का यही पढ़ लेना, ज्योग्राफी यहाँ से हो गया, इकोनॉमी 9-12 पढ़ लेना एनसीईआरटी, ठीक है, ये हो गया। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। सर आपको नोट्स निकलवा के उसको पढ़ लिया 2 बार। कौन से वाले? जो आपने मतलब एक दिन में ग्रुप में भेजा था ना, मैंने उसको निकलवा लिया, जो टॉपर्स का नोट्स था वो कुछ पेज का, वो अर्पित का नोट्स था वो। उसी को पढ़ लिया। अच्छा है, ये पढ़ो, ठीक है। पॉलिटी में जो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर बताया वो पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत का। 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें पढ़ना भारत का संविधान वाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एट वर्क करके, तो वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो इतना कर जाना है, 25-30 क्वेश्चन तो यही है। बता दीजिए पॉलिटी का क्या पढ़ना, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में। पॉलिटी लक्ष्मीकांत के मैंने एक वीडियो डाला है, जाके देखना, उसमें 25 मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं, 25 से 30 वीडियो, 25 से 30 वो जरूर पढ़ लेना, वहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ऐसे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए वो कर लेना पॉलिटी में, तो वहीं से आ जाएंगे आंसर, ठीक है। आगे देखो, चैनल में आता ही नहीं पूरा, मतलब यही क्लास आता है और कुछ नहीं आता है, मतलब जैसे प्लेलिस्ट में जाके देखो ना। अच्छा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। आगे देखो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ध्यान से समझना। एग्रीमेंट हो रहा है तो समझौता होगा, आर्थिक ही होगा, एग्रीकल्चर पे हो रहा है। एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है, और पीस क्लोज। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हुआ है ये WTO के बारे में, पीस क्लोज को पढ़ते पता लग जाएगा, बाली जो उसमें हुआ था उसमें पीस क्लोज हुआ था, ठीक है। इसमें जो है विकासशील देश है उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है, जब तक वो अपना सब्सिडी रिफॉर्म नहीं करते तब तक वो नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये इतना सा पता होगा, ध्यान समझना। अब देखो ना UPSC, देखो कैसे UPSC चाहता है कि आपसे गलत करवाए, एग्रीकल्चर दे दिया तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर दे दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, सारी चीज़ें पढ़ना। अब देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है तो सब ऐसी बात है, ये व्यापार से रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये उसकी बार कर रहा है, पीस क्लोज है, ये सब, तो ये चीज़ याद रखना, सारी चीज़ें उससे। और मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, UPSC की थीम क्या है, WTO इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मेरे अनुसार तो अब तक कभी आंसर नहीं बना। UPSC बन देता हर साल, ये भी कभी आंसर नहीं बना और ये भी शायद कभी आंसर नहीं बना, ये चीज़ देख लेना आप 2011-2023 तक, तो ये चीज़ भी याद रखना। अरे ऐसे थोड़ा बहुत पता, इतना थोड़ा पढ़ के रखना, पीस क्लोज पता होना चाहिए, अगर आप इकोनॉमी बेसिक पढ़ते हो तो उसमें आता है। अब देखो यही क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ, मैं फिर बार बार रिपीट होंगे पेपर। निकट क्षेत्र संचार, अब देखो नियर, ठीक है, अब देखो सारे तो आएंगे नहीं, क्योंकि नियर का बोल दिया तो सबको सारी चीज़ें सहली होगी। यह एक संपर्क रही संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र को उपयोग करती है, एकदम सही बात है। एक अब देखो याद रखना, जैसे आजकल जो आप पेमेंट करते हो ऐसे नहीं बहुत दूरी से पेमेंट हो जाता है, तो वो वही है, ठीक है। NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो, बट लग जाता है, याद रखना मोस्टली गलत होने, जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। 9 याद रखना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये बहुत कम सेंटीमीटर, एक चीज याद रखना, डाटा है, डाटा गलत होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसको फिर बोलता ही क्यों अगर 1 मीटर की दूरी होते तो,
संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC क्रोडिकन इंक्रिप्शन का उपयोग कर सकता है, एकदम सही बात है। तो ये चाहिए रखनी, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है इसलिए गलत होगा। दूसरी बात मैंने बोला था बट जब लगता है। NFC डिजाइन फॉर यूज बाई डिवाइसेज विच कैन बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एवन ए मीटर फ्रॉम ईच अदर। नो फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं इसको, और यही सेम चीज़ 2022 वाले में लगानी थी। अब देखो ध्यान देखना, आपकी बारी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वापस से, याद रखना ये सारा कर लेना। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र न्यूनतम किसके संबंधित घटनाओं की अदा करते हैं। गोलन हाइट्स फिर से विवाद में है, वापस क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। अब देखो मैंने बोला था ना ये ट्रिक, अरे यही आंसर है इसका, मिडिल ईस्ट में है, ऋषि पे इसराइल और उसका विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसराइल और आर्मेनिया के बीच में विवाद चल रहा है, मतलब उसी साइड इजराइल के पास ही है कोई देश। अरे फिलिस्तीन, कहाँ सो रहे तो? फिलिस्तीन का पार्ट नहीं है, हैं? गोलन हाइट फिलिस्तीन का पार्ट नहीं है। किसका है? उसी इजराइल के पास। देखो पहली बात आर्मेनिया पता कहाँ है? आर्मेनिया अजरबैजान इधर है रशिया के पास, कहाँ सो रहे हो तुम? अजरबैजान है उसे जो रशिया के पास है। ठीक है आगे देखो, अब मैं आपके इम्पोर्टेंट है, मैं फिर वाला बता रहा हूँ, और आएगा इजराइल और वो देख लेना, वहाँ से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आएगा जरूर। डेड सी को अच्छे से कर लेना, भूमध्य सागर को अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से, ठीक है। रुपए की परिवर्तनता से क्या तात्पर्य है? कन्वर्टेबिलिटी। अब देखो इसी वर्ड को पकड़ो भाई, आप रुपए को कैसे चेंज कर सकते हो, बस सीधी सी बात है, कहाँ बात कर रहे हैं? ये देखो आंसर आ गया, मैं फिर बार बार बता रहा, ये चीज़ें पकड़ा करो। अब देखो रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, अच्छा। रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, एकदम सही बात है। रुपए के मूल्य बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होने देना, अरे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो परिवर्तित करना, परिवर्तनीयता, यही पकड़ना था इसमें आंसर आगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अब आगे आ जाओ। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन, अब देखो ये सब मैंने है ना, अब मैं फिर बता रहा हूँ, NCERT पढ़ के जाना, और उसमें मैप जो है और वो डब्बों में जो दिया रहता है, जो मैप है और फोटो दिए हुए क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी से हर साल उठाता वहाँ से, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो कौन सा सही सम्मिलित है, ठीक है, ध्यान समझना। दुर्गर जो है जम्मू में, ये चीज़ याद रखना। ये चंपक का अगर थोड़ा बहुत याद रखो, चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो वहाँ का ही पुराना नाम है ये, हिमाचल प्रदेश है ना कि मध्य भारत, MP में नहीं है चंपक, ठीक है। कुलत याद रखना, ये वहाँ पे है मनाली, कुल्लू वर्ड समझो, कुलत मतलब पहले पुराना नाम है, कुल्लू अभी प्रेजेंट का नाम कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली कहाँ पे है? ऊपर उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जो भी है, मालाबार में तो नहीं है, मालाबार तो सोचो यहाँ पे हिमाचल। तो कुल्लू मनाली उधर है ना, तो देखो ये गलत हो गया, तो ओनली वन सही है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, ये है ना ये वर्ड है, आपको मिलेंगे NCERT में जाके देखो अच्छे जाके, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से कर लेना। जैसे उत्कल, उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल, ये सब याद रखना। जैसे जालंधर का नाम था पुराना त्रिगत्रा, ये पुराने पुराने नाम याद रखो, ये जालंधर का नाम है पुराना। त्रिपुरा का नाम है पुराना त्रिपुरा का नाम पुराना, ठीक है। असम का पूरा नाम है, पुराना नाम है कामरूप, ये याद रखना, ईपीजी क्वेश्चन पूछती है। अब देखो ध्यान देकर, गोदावरी की सहायक नदी है। अब मैंने कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बने तो हमेशा याद रख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 चारों कभी नहीं देगा, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, वो हमेशा दूसरी, अब देखो गोदावरी के पास में कौन सी सहायक नदियाँ पड़ती, गोदावरी जस्ट आसपास कौन सी, कावेरी है, तो कावेरी की दे देगा। अब इसमें आपको यही पकड़ना कौन सी कावेरी की है, तो वंशधारा ने याद रखना कावेरी की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी की। और इंद्रावती प्राणिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है, पेन्ना जो है केरल वेरल में बहती है, सोचो गोदावरी इधर आंध्र प्रदेश इधर बहती है, आंसर दो। और कल भी याद करो इसी टाइप का दो आंसर आया था,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इतना तो पढ़ के जाना, ये सब एनसीईआरटी के में दिया हुआ है, इसीलिए मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इनके लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब देखो, जब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देश रेफर किया जाता है, इसे किसके द्वारा पारित किया जाना, याद करो, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवा चुका हूँ। संयुक्त बैठक में पहली बात तो साधारण विधेयक ही आता है बस, दूसरी बात इसमें साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत, उपस्थित मत देने वाले सदस्य 3/4 बहुमत, सदनों का 2/3 बहुमत, पूर्ण बहुमत मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। अब जो मैंग्रोव संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़कर, अरे नॉर्मल बिली बसता है उसी के लिए तो आती है संयुक्त बैठक। सर क्वेश्चन रिपीटेड है, बताओ, 2014 में आया हुआ ना। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, सदापर्णी वन भी पाया जाता हो और पर्णपाती वनों का संयोजन भी, तो अंडमान निकोबार दिखे मार दो, सोचना ही नहीं है। सौराष्ट्र क्षेत्र ऐसे सूखा उका एरिया है, दक्षिण पश्चिम बंगाल कहाँ है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि वहाँ पे याद रखो इतने, पहली बात उसका देखो, ये उसका देखा करो अंडमान निकोबार ऐसे फैला हुआ है, इतना जब इसमें फैला होगा तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाएगी। किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो ये मैंने उस दिन भी करवाया था। अभी ध्यान दे, अवंती कहाँ पे, उज्जैन का पुराना नाम है अवंती, मैंने बोला था उस दिन में, स्टोरी सुनाया था कि बुद्ध जाने वाला था, इसको बुलाया गया था, ये उस टाइम आखिरी अवस्था में था, मतलब बीमार था तो नहीं गया, अपने शिष्य को भेजा था तो नहीं गया। गांधार याद रखना, अफगानिस्तान कभी गया नहीं, कौशल में तो उसका जन्म हुआ ही था, कौशल जो है, कौशल में तो हुआ था जो उधर है नेपाल, ठीक है, और मगध में तो गया ही था वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बुद्ध से तो क्वेश्चन आता ही है हमेशा। अब देखो याद करो, मैंने पहले दिन ही क्वेश्चन पूछा था, आ गया आज, इसीलिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जी याद रखना, मैंने उस दिन ही पूछा था, ओजोन से रिलेटेड कौन कौन से, एक ओजोन का अवसर करने वाले पदार्थों के प्रयोग को नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने फेजी काउंट के मुद्दे से संबंध है। अरे बेटन वुड से तो WTO और IMF बना था, तो ऐसे तैसे हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही इसका आंसर है, क्योटो प्रोटोकॉल तो याद रखना जलवायु परिवर्तन से है, इसे ग्रीन हाउस गैस रिसर्जन से। नागोया प्रोटोकॉल याद रखना बायोडाइवर्सिटी से, ये पता होनी चाहिए, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ आगे जाके भी। अब ये क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए, बाबर के भारत के आने फलस्वरूप, अब देखो ध्यान समझना, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, क्या बात कर रहे हो, उससे पहले शुरुआत हो चुकी थी। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत, अरे इससे पहले जब दिल्ली सल्तनत काल था उसी में आ गई थी ये सारे, कुषाणों में किया था, जो मेहराब वहराब है ना, रोमन साम्राज्य का था, कुषाणों ने लाया था, लेकिन प्रचलित जो करवाया था सल्तनत काल में, जो भी इसमें तो नहीं हुआ ना, ठीक है। इस क्षेत्र में तैमूर, हाँ ये तैमूर वंश से तो था, और याद करो जो किसका बेटा, सैफ अली खान का बेटा, वो इसी ने तैमूर इसी के नाम पे रखा उसे, हाँ नहीं सही में उसका नाम वही है तैमूर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये सही है, ओनली एक सही है इसमें, तैमूर राज जो है सर, ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे तो है उसमें, ठीक है। बाबर याद रखना 1526 में एंट्री करता है पानीपत के फर्स्ट युद्ध से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है, तो याद रखना यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना माना जाती है 1526, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पानीपत का युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, ठीक है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना, ऐसे डाउटेबल नजर से मत देखो, मैं पढ़ लिया हूँ एंशिएंट तो, ठीक है, डाउटेबल नजर से मत देखो, मैं पढ़ चुका हूँ और वो सही बता रहा हूँ मैं, क्या तुम डाउट भरी नजरों से देख रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हैं, बच्चा जानता है, अच्छा बताओ पानीपत सेकंड युद्ध, पानीपत का इनके काल में हुआ था, 1700 के साइड में, 1576 में हुआ था, वो लड़ा 1555 कौन लड़ा था मैं बता दूँ, अकबर का सेनापति बैरम खान लड़ा था पानीपत का सेकंड युद्ध, तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह रंगीला के समय लड़ा गया था, मराठों ने उसमें भाग लिया था। और पूछिए युद्ध पूछिए चाहे जो, ठीक है अभी तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देखो, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना, तो मैंने बोला था ये योजना आयोग की जगह आया था, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो समझ में आते उसको रिप्लेस करेगा तो ये तो अभी भी है,
ये अभी भी है, ये अभी भी है, ये नहीं है, तो यही आंसर होगा ना, होमोलॉजिक लगाओ। ठीक है आगे देखो, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आइडिया, रियो अर्थ समिट होती है, याद करो 1992 में, तो पृथ्वी पृथ्वी सम्मेलन किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, याद करो रियो अर्थ समिट 1992 वाला, पृथ्वी धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यही आंसर है। मैंने कितनी बार बोला इस टाइप के आंसरों का, यही आता है। ठीक है आगे देखो, अब देखो मैंने कितनी बार बोला प्रधानमंत्री जगह राष्ट्रपति चेंज करता है, अब कर ही दिए। यहाँ पे देखो भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति, अरे प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में नहीं होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अरे ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार मैं बोलूँ, 2013 में ऐसा करवाया, 2014 में करवाया था ये चीज़। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, अच्छा सिविल सेवा बोर्ड है, पहली बार सचिव होगा, याद रखना ये चीज़। चीफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट सचिव होता है ना वो होता ना कि प्रधानमंत्री, दोनों के दोनों गलत है, अब ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने कितनी बार बोला बोर्ड है, तो बोर्ड का कभी नहीं होगा प्रधानमंत्री, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गोल्डी लॉक जॉन, अरे पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, 30 क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। निम्न में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है, ठीक है चलो कोई नहीं अपन देखते हैं इसको ध्यान से देखना। जोन है मतलब किसी एरिया की बात कर रहा है पहली बात तो, ठीक है तो पहले भूपृष्ठ के ऊपर वायुमंडल वास योग्य मंडल की सीमा है, ये क्या ही बात कर रहे हैं, रहने योग्य मंडल की सीमा को मतलब नहीं है, गोल्डी लॉक जोन नहीं वो नहीं है। ठीक है आगे देखो, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है, अच्छा मूल्यवान धातु से युक्त उल्का पिंडों की खोज। देखो यहाँ पे पृथ्वी की बात करा, यहाँ पे पृथ्वी बात करा, आंसर इन दोनों में से होगा, तो ये सेल गैस का तो है नहीं, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ठीक है तो यही आंसर होगा इसका। अरे ऐसा भी थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा, अगर आप छठी क्लास से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें भी दिया हुआ है, पहला ही चैप्टर है उसके बारे में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित। अब देखो इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंदौर चट पर एक अभियान संगठित किया, याद करो नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी जी, ठीक है अब ये चीज़ समझना। ठीक है तो गांधी जी कहाँ से, साबरमती आश्रम से चलते हैं और कहाँ तक, दांडी यात्रा, कितने अनुयायी थे, 72, ठीक है 75 अनुयायी के साथ, 72 ही थे, 75 कहाँ से बोल रहे थे, अरे मैं सोच रहा हूँ 2-3 बढ़ गए। ठीक है तो ये श्री राजगोपालचारी अगर थोड़ा बहुत अगर पता हो ना, गांधी जी को थोड़ा बहुत अगर फोटो में देखोगे ना, श्री राजगोपालचारी हमेशा गांधी जी के साथ थे, तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला वही तो करेगा ना, नमक कानून तोड़ो। एनी बेसेंट नो, ये दक्षिण भारत से कहाँ से आ गए, ठीक है अरे सब तंजौर तट याद रखना है, तंजौर तट जो है दक्षिण भारत का हो गया। के कामराज, के कामराज है ना कांग्रेस का अध्यक्ष अध्यक्ष था, याद करो ये भी इधर के दौर में, स्वतंत्रता की बात है, इधर पे नो ना, ये भी पकड़ा करो, तंजौर तट कहाँ पे बताओ, तंजौर है पश्चिमी तट है, कर्नाटक वाला के नहीं तमिलनाडु का शायद है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर अगर तमिल में होगा, तमिल में है, तमिलनाडु का है, यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का, राजराज ने बताया। देखो ये है ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ था, ध्यान समझना। इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नई नगरी स्थापना की, कृष्णा नदी की सहायक नदी याद रखना तुंगभद्रा, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा, मैं फिर बार बताऊँ एक ही क्वेश्चन जाके देखो, 2016 में भी आएगा यही क्वेश्चन, आगे एक नई नगरी की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उसने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। अब जो कहाँ पर देवता का नाम दिख रहा है तुम्हें, प्रताप नो हरिहर, यही है, हरि मतलब विष्णु, ठीक है आंसर यही होगा ना, विष्णु का है, हरी मतलब विष्णु, हर मतलब जो होता है हर हर महादेव जो कहते हैं ना, जाके देखना वैष्णव फिलोसोफर थे, मैं क्या कह रहा हूं, हरी अरे हर हरी हर उसी को बोला जाता है, विष्णु को सर हरी विष्णु को बोला जाता है, हर महादेव को बोला जाता है, इसलिए उसका नाम हरिहर है। हरी मुझे इतना पता है, विष्णु को बोला जाता है, लेकिन मुझे पता है हर महादेव बोला जाता है। जिसके बारे में जाना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण के समस्त भूमि उस देवता की है, तो याद रखना हरिहर, हरिहर और बुक्का होते हैं, दोनों भाई होते हैं, इनका स्टोरी सुन लो।
तो दोनों भाई होता है तो क्या होता है, किसके काल में? औरंगजेब के काल में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के हाँ, तुगलक के काल में। तो वो क्या था, उधर का दक्षिण का जब एरिया जीतता ना, तो इनको दोनों भाई को पकड़ के ले जाता था, इनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा लेता है, मुस्लिम बन जाओ, वहाँ बन जाते हैं, तब इनको दक्षिण भेजता है, तो फिर वापिस जाके फिर अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं। इनके गुरु का नाम था प्रकाश? नहीं प्रकाश तो नहीं है। अरे यार पढ़िए तो, जो धार्मिक था ना, सायण था, सायण ये भी था, इसने कहा था कि लो ज्ञानोन अब जाके हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। ठीक है आगे देखो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। अभी दो फैक्ट है, हमेशा मैंने बोला दो फैक्ट में से एक सही होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। प्रकाश उनका था, सॉरी ये जो शंकराचार्य थे उनका गुरु था। अब बोलो। हाँ, मुझे अभी भाई मैं पढ़ा हूँ अभी, ठीक है नहीं इसलिए मैं फिर बारह बता रहा हूँ। शंकर का था भी याद आ गया ना, शंकर को प्रकाश मिल गया। शंकर का भी मुझे तो डाउट है। नहीं शंकर का था प्रकाश। ठीक है एक बार देख वेदांत की। चलो ठीक है आगे देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अरे नहीं याद रखना, एनी बेसेंट थी और 1917 में बन गई थी। मैंने कल ही बताया था यही फैक्ट, याद रखना एनी बेसेंट थी, पहली भारतीय महिला थी। हाँ और ये कब कब कौन से अधिवेशन बनी थी? 1924 में 24-25, क्योंकि महात्मा गांधी के बाद ही बनी थी या पहले बनी थी? महात्मा गांधी कब बने थे? अमित बताओ सर। बेलगाम सम्मेलन 23 में हुआ था। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? सरोजिनी नायडू 24 में। सरोजिनी नायडू 1917 में सर। 1917 में एनी बेसेंट बनी है। कहाँ तुम सो रहे हो अभी? एनी बेसेंट 1917 में, सरोजिनी नायडू 24 में है शायद। नो 24 में तो नहीं है, बताओ चेक करो, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो। अब बात है राष्ट्र कब है, मतलब ना ये 30 या 40 के आसपास में। नहीं महात्मा गांधी की एक साल बाद बनी थी। मुझे इतना तुम लोग क्या ही पढ़ रहे हो। अब देखो चलो ठीक है छोड़ो, आंसर तो आगे ये गलत है, तो ये गलत है तो पहला दूसरे, ये देखो आंसर ये गलत है तो आंसर ये आ गया। बद्रुद्दीन टेप जी याद रखना, ये बनते प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में, याद रखना ये चीज। क्या मिले नहीं तुम्हें? मिल रहा है। गांधी जी 1924 में बनता गांधी, तो तब वो 25 में। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, यही नहीं पता तुम लोग क्या ही। उन्नीस सौ तेईस में बनी थी वो, 1925 नहीं उसमें तो। अरे देखा अमित कहाँ तुम सो रहे हो ये चीजें तो पता। 1925 देख लीजिए, गांधी के एक साल बाद 1924 में गांधी बने थे। मैं ऐसे याद किया हूँ, गांधी बाद आई हूँ, फिर उसके बाद नेहरू आ जाएंगे। गांधी का ही पता नहीं है, गांधी का हाँ यही भूल गया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में। हाँ 1925 में बने, ठीक है याद रखा करो तुम क्या कर रहे हो। चलो ठीक आगे देखो, हरित जलवायु मैंने बोला था लगता है 1925 सदरा बोले थे भाई, क्या है। अरे ठीक है छोड़ो, उल्टा से उल्टा बोलते रहते तुम लोग। चलो ठीक है, हरित जलवायु नीति देखो ध्यान समझना, हरित जलवायु नीति है ध्यान से समझना, ग्रीन क्लाइमेट है, पॉजिटिव चीज़ होगी, ध्यान समझना। यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के आशय से बनी एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, संस्थाएँ हमेशा गलत होती है, सोचना नहीं है, इतनी सारी संस्थाएँ दी है तो पक्का गलत है। ये विश्व बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो ये मान लिया जाए। OECD क्या कर रहा है, ठीक है तो आंसर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, अरे क्वेश्चन पे R&D कर लो भाई, इतना कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग ये भी नहीं पता। वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निस्तरीकरण और विकास पुरस्कार निम्न किस एक को दिया गया था? अब देखो ध्यान समझना, पहली बार शांति की बात कर रहा है, ठीक है, और विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट को अपना कौन है, इसरो कहाँ गया आंसर? ठीक है ये तो ऐसे डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय करते हैं, परमाणु वरमाणु बम बनाते रहेंगे। तो चलो ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ देखो ये काम कर लो, NCERT कुछ NCERT पढ़ी लो, ज्योग्राफी के NCERT 6-12, हिस्ट्री के जो NCERT है 6ठी 7ठी
और 12th के पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लो। और उसके एक एक चीज़ जो मैप है खास तौर से देख, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन 2023 के सारे क्वेश्चन वहाँ से हैं, एक एक क्वेश्चन में खोज चुका हूँ, 2023 के नहीं 2022 के 21 के 20 के 19 के सारे क्वेश्चन यहाँ से है, नई NCERT से। तो 2000 अभी मैं फिर बता, 6ठी 7वीं और 12वीं का पार्ट 1 पार्ट 2। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर किसी ने कहीं नहीं पढ़ा है, अगर कोई नोट्स पढ़ा नोट विपिन चंद्रा जरूर पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, ये हो गया हिस्ट्री, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना हिस्ट्री में, ठीक है। ज्योग्राफी ये हो गया, इकोनॉमी के लिए 9th to 12th NCERT पढ़ लो, 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए टॉपिक बताए वो पढ़ लेना, अरे 11th की NCERT पढ़ लेना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके, ये जरूर कर लेना। साइंस का 6th to 10th NCERT पढ़ लेना, जिसमें शायद इंपॉर्टेंट ज़्यादा 6th to 8th ही है ना नगीना, 9th 10th आपने पढ़ लिया नगीना? हाँ, 9th 10th पढ़ा क्या आपने साइंस का? गूगल मीट से कुछ लिंक वगैरह भेजी है क्या आपने अभी? लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब करके? हाँ, नो 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 नो, ये किसने भेज दिया? ये ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, आया है, टू पीपल पार्टिसिपेटिंग भी हो गया है। अरे नो नो नो, ये कोई फर्जी चल रहा है, रुको एक मिनट, मैं इसको बंद